नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक पावरफुल स्टीरियो एम्पलीफायर सर्किट है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 6283 आईसी। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें आईसी का 6 नंबर और 9 नंबर पॉइंट हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 22 UF 63 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें एक कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट आईसी के 8 नंबर पॉइंट के साथ और दूसरा कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट आईसी के 4 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 330 ओम रजिस्टर। उसके बाद अब हमें ये दो रजिस्टर, ये दो कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद अब हमें ये दो रजिस्टर का जो ये दो बाकी पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद इसी पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर आईसी का 6 नंबर और 9 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 220 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें एक कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट आईसी के 11 नंबर पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट आईसी के 10 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद दूसरा कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हम इस आईसी के 2 नंबर पॉइंट के साथ और पॉजिटिव पॉइंट आईसी के 1 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 470 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें एक कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट आईसी के 10 नंबर पॉइंट के साथ और दूसरा कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट आईसी के 2 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 100 NF कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों, अब हमें ये दो कैपेसिटर आईसी के 7 नंबर और 5 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है आईसी के 12 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 2200 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है पॉजिटिव पावर सप्लाई तार के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हम नेगेटिव पावर सप्लाई तार के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा कोई भी एक पुराना हेडफोन। उसके बाद दोस्तों, अब हमें हेडफोन को ऐसे काट लेना है। और दोस्तों देखिए, हेडफोन का ये जो पॉइंट है, ये है इसका ग्राउंड पॉइंट, ये है इसका राइट ऑडियो पॉइंट और ये है इसका लेफ्ट ऑडियो पॉइंट। उसके बाद देखिए, अब हमें हेडफोन के ग्राउंड पॉइंट के साथ जो तार कनेक्टेड है, इस तार को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद हेडफोन का राइट ऑडियो का तार हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ और लेफ्ट ऑडियो का तार
इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो स्पीकर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें दो स्पीकर का कोई भी दो तार एक साथ इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें एक स्पीकर का दूसरा तार सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा स्पीकर का दूसरा तार हम इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक पावरफुल स्टीरियो एम्पलीफायर सर्किट अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।